सोलापुर गांव में तीन किसान रहते थे, गोपाल, रमेश और सुरेश। इन तीनों भाइयों के पास 5 बीघा जमीन है और तीनों इसी में खेती करते हैं, वो भी भुट्टे की खेती। अब फसल का देखरेख का समय चल रहा है, इसीलिए एक भाई रमेश भुट्टों को पानी दे रहा है, सुरेश खेत में उगी हुई घास को काट रहा है और तीसरा बंधु गोपाल फसल को कीटनाशक दे रहा है। इतने दिन हो गए और बारिश का कोई भी अता पता नहीं। अगर मैंने पानी नहीं दिया तो मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। और देखो कि बाकियों की फसल तो कितनी अच्छी तरह से उग रही है। ए भाई, मैं क्या यहाँ पापड़ बेल रहा हूँ? तू आजा, मेरा काम कर ले। अगर फसल को कीटनाशक नहीं दिया ना तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, समझा? तेरी बात को मैं समझता हूँ गोपाल, लेकिन देखो सुरेश क्या कर रहा है, वो तो कब से घास ही काटे जा रहा है। घास तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर घास नहीं काटी तो जमीन में दिया हुआ पानी सब घास सोख लेगा और हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, तभी तो हमारी फसल बचेगी। एहसान किया ना, अभी चल थोड़ा आराम कर लेते। सही कहा भाई, लेकिन घास में सुबह से काट रहा हूँ और अब मुझे जोरों से भूख लग रही है। अरे हमारी बीवियां कहाँ चली गई? अब तक वो तीनों आ जानी चाहिए थी, खबर नहीं इस समय कहाँ है, कहाँ उलझ गई। हाँ, आ जाएगी, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा मन को शांति दे। तभी उसी समय गोपाल, रमेश और सुरेश इनकी बीवियां हाथ में खाना और पानी लेकर आई। देखिए मुझे आज कुछ बोलेगा मत, मुझे खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ भाग्यवान, गोपाल की बीवी तो खाना बनाते बनाते देरी कर देती है, पर तुम्हें देरी क्यों हो गई? बताओ जरा। अरे मैं अकेले थोड़ी चली आती यहाँ पे, अब मैं तो इन दोनों का इंतजार कर रही थी यहाँ पे आने के लिए। अच्छा अच्छा, ज्यादा बात करने से बहुत बात बढ़ेगी, चलो अब खाना खाते हैं। अब खाना खा के मैं वजन बढ़ाता हूँ ताकि मैं खेत में जम के काम कर सकूँ। हाँ अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लीजिए, आपने सुबह से चाय पी है, इतनी देर से खाना नहीं खाया, अब तो आपके पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। अरे मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़ रहे हैं, हाथी। अरे रे रे रे, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ, खाना। अब क्या हुआ, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, चलो खाना परोसो। और तभी उन तीनों की बीवियों ने उनके पतियों को खाना और पानी दिया। गोपाल, सुरेश और रमेश खाना खाने के बाद वापस खेत में चले गए। फिर धीरे धीरे उनकी फसल पक गई। ए सुन, लगता है भुट्टो को काटने की बारी आ गई है, क्योंकि ये अब ज्यादा पक गए हैं, इसीलिए इसी समय काटना चाहिए। हे कहा गोपाल, पके हुए भुट्टो को ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। मैं सारे भुट्टो को निकालने की तैयारी करता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, देरी मत करो। फसल को काटने के बाद वो तीनों भाई भुट्टों को बाजार में ले गए बेचने के लिए। बेचने के बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले। बताओ तो आज कितने पैसे मिले हमें? करीबन कुल मिला के हमें मिले हैं 60,000 रुपए। इसका मतलब हमारे हिस्से में 20,000 रुपए आए हैं। ये लो गोपाल तुम्हारे 20,000 रुपए, ये लो सुरेश तुम्हारे 20,000 रुपए, और ये बचे हुए 20,000 रुपए मेरे। ठीक है तो चलो अपने घर चलते हैं। सभी लोग अपने घर पहुंचे और जितने भी पैसे मिले थे अपने बीवी के हाथ में दे दिए। बीवियां पैसे देखकर खुश हो गई। अरे बाप रे, आप कितने सारे पैसे लाए हैं, ये पैसे मैं घर पर ही रखूंगी। संभल कर रखना पैसे, इधर उधर खर्च मत करना, क्योंकि अगले साल हम तीनों भाई एक जमीन और खरीदने वाले हैं। तब तो हम लोग बहुत बड़े लोग हो जाएंगे और हमारा घर भी बड़ा हो जाएगा। हाँ। बिना कुछ काम किए बेकार के सपने नहीं देखना चाहिए भगवान, बेकार के सपने मत देखो। जिस दिन 1,00,000 रुपए कमाऊंगा उसी दिन ये सारी बातें करूंगा। आज चलो, अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा दे रही हूँ बाबा, दे रही हूँ। इस तरह सबका सही से जीवन कट रहा था, लेकिन गोपाल की बीवी के मन में कुछ और ही चल रहा था।
बहुत महीनों के बाद गोपाल की बीवी के मन में एक ख्याल आया और वो सोचने लगी। दद दद, इतने सारे पैसे जमा करने का क्या फायदा जब हम उनका इस्तेमाल ही ना कर पाए। आखिर ऐसे पैसों का क्या फायदा हा? इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आज ही गहने खरीद लूंगी, बात का बाद में देखेंगे। हाँ तो मैं सुनार के पास जाती हूँ। भैया मुझे एक अच्छा सा हार दिखाइए तो। दिखा दो दिखा दो। और मुझे कान के झुमके भी दिखाना। ये दोनों ही मैं ले लेती हूँ, कितना दाम है इनका? 1700 रुपए। ये लीजिए गहनों के बदले पैसे। और उसके बाद गोपाल की बीवी ने हार और कान के झुमके पहने और सुरेश की बीवी के पास आ गई। उस समय सुरेश की बीवी और रमेश की बीवी गप्पे लड़ा रही थी। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बाप रे, तुम पे हार कितना अच्छा लग रहा है। अरे तुम बस हार देख रही हो, कानों के झुमके तो देखो जरा। अरे ओ, कब खरीदा तुमने? अरे आज ही खरीदा है। मैं भी आज सुनार के पास जाती हूँ और इससे भी अच्छे गहने खरीद कर लाऊंगी, देख लेना तुम। हुआ, गहना ही तो खरीदा है ना। ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो, पर मैंने कहा था ना तुम्हें पैसे यहाँ वहाँ खर्च मत कर देना। ये क्या किया तुमने? ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके पैसे क्या मेरे पैसे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम दोनों के लिए तो कमाता हूँ, लेकिन हमारी 3 महीनों की बचत तुमने एक दिन में उड़ा दी भगवान। ये क्या बात हुई, ये गलत है जी। मुझसे गलती हो गई। गलती? क्या तुम्हारी गलती से मैं अचार डालूं? मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए, समझी? मैं कह रही थी आज ही तो गहने खरीद कर लाई हूँ, तो क्या आज ही वापस कर दूँ उसको? वो सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ कि ताकि तुम पैसे संभाल कर रखो। तुम्हें पता है इन पैसों से हम तीनों भाई जमीन खरीदने वाले थे। ये पैसे गहनों के लिए नहीं है। ठीक है, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। देखो जो बात तुमने अभी मुझसे बोली है वही करना, समझी? अब बोलना मत, कहने की भी कोई हद होती है। सही कहा तुमने, यहाँ हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं और वो पैसे हमारी बीवियाँ बर्बाद कर देती है। सुनिए, हम लोगों ने कुछ विचार किया है। क्या विचार किया है? हम तीनों मिलकर एक साथ 3 दुकान खोलेंगी। किसकी दुकान? भुट्टे की दुकान। आप लोगों को बाहर भुट्टा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आप लोगों से भुट्टा खरीदेंगे, आपसे खरीद कर उसको आगे बेचेंगे। लेकिन तुम हमें उन भुट्टों के पैसे कैसे दोगी? पहले दिन आप लोग हमें भुट्टे उधार में दोगे, फिर हम उन्हें बेचकर दूसरे दिन आपको पैसे वापस लौटा देंगे और जो फायदा होगा अपने पास रख लेंगे। ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू करो। रमेश, सुरेश और गोपाल की बीवी ने बाजार में एक बहुत बड़ा दुकान बनाया, वो भी भुट्टों का। उस दुकान में 3 विभाग किए। एक भाग में कच्चे भुट्टे बेच रही थी गोपाल की बीवी। भुट्टा ले लो, भुट्टा, ताजा भुट्टा, अच्छा भुट्टा, खाने में बहुत ही टेस्टी है, भुट्टा ले लो, भुट्टा। भुना हुआ भुट्टा 15 रुपए, भुना हुआ भुट्टा 15। दूसरे विभाग में भुने हुए भुट्टे बेच रही थी रमेश की बीवी। ले जाइए 15 रुपए, भुना हुआ भुट्टा 15 रुपए, नमक मिर्ची नींबू लगाकर भुट्टा 25 रुपए। तीसरे भाग में नमक मिर्च और नींबू लगा के भुट्टे बेच रही थी सुरेश की बीवी। मिर्ची नींबू लगाकर एक मुझे गर्मा गर्म नमक मिर्ची लगा के भुट्टा देना तो। मुझे 3 कच्चे भुट्टे चाहिए, घर ले जाकर भून के खाऊंगा। इस प्रकार 3 महीने व्यापार करने के बाद गोपाल, रमेश और सुरेश और उनकी तीनों बीवियां हिसाब करने बैठे गोपाल के घर में।
अब बताओ तुम तीनों ने कितना व्यापार किया है? और मैंने कमाए हैं 30,000 रुपए। मेरे हुए 20,000 रुपए और मैंने कमाए हैं 30,000 रुपए। वाह क्या बात है, तुमने खरीदे 17,000 के गहने और तुमने कमाए 20,000 रुपए। तो मतलब तुम मुझे 17,000 रुपए दोगी, उसके बाद भी तुम्हारे हाथ में 3,000 रुपए बचेंगे? हाँ जी, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन देने में बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों। सारे महीने हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, इसीलिए शायद। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाते हैं? हम लोग समझ गए हैं कि रोज रोज खुद मेहनत करके पैसा कमाना कितना ही मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे। तुम लोग खेतों में जाकर अपना काम करना और हम लोग अपना काम करेंगी। है फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो तुम तीनों मिलकर जमीन खरीद लेना। सही कहा, लगता है कि अब तुम्हारे दिमाग में बुद्धि आ चुकी है। सही कहा ना मैंने? सब करेंगे मिलके काम, मिलेंगे हमें अच्छे दाम। इस प्रकार से तीनों किसानों की बीवियां धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाने लगी। गोपाल, सुरेश और रमेश तीनों ने ही बहुत बड़े मकान बनाए और तीनों भाइयों ने कुछ सालों बाद बहुत बड़ी जमीन खरीदी और तीनों भी बड़ी शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।